हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बढ़िया सा ग्लो सीरम शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये समर स्पेशल ग्लो सीरम है। जी हाँ, ये मेरा समर स्किन केयर रूटीन का ये पहला DIY होने वाला है। जी हाँ, तो आगे जितने भी आपको DIYs मिलेंगे वो गर्मियों के ही होने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ग्लो सीरम शेयर करूंगी। जी हाँ, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ ग्लो सीरम शेयर किए थे, वो विंटर स्पेशल ग्लो सीरम थे। और अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो जरूर उसे मेरे चैनल पर जाके देखें। मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं इस ग्लो सीरम की। तो ये एक विटामिन सी ग्लो सीरम है, जैसे मैंने बताया। इसे मैंने ऑरेंज से बनाया है और आप सब जानते हैं कि ऑरेंज में कितने ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। जो विटामिन सी जो होता है वो हमारे स्किन को लाइट बनाता है, ब्लेमिशेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके फेस पर रिंकल है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। फाइन लाइन्स हो, रिंकल हो, ब्लेमिशेस हो, डार्क स्पॉट हो, तो इन सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन पर एक बिल्कुल ग्लो ला करके देता है। और ख़ास बात, अगर आपका सन टैन हो रखा तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गर्मियों में हमें सन टैन की होने की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर हम धूप में थोड़ी देर के लिए भी निकल जाते हैं तो स्किन टैन कर जाती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्किन टैनिंग की गर्मियों में। तो ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे खास बात, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल फीमेल हो या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये टीनेजर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है। जी हाँ, कहाँ मार्केट के आप ग्लो सीरम लेने जाते हो, स्पेशली विटामिन सी ग्लो सीरम के नाम से मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा ये ग्लो सीरम जिसे मैंने घर पर ही बनाया, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मुश्किल से 20 या 30 रुपये लगेंगे और आपका एक बॉटल ग्लो सीरम बन करके तैयार है। इसे आराम से आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। आपका अगर इतना ग्लो सीरम है तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन आराम से चल जाएगा अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करते हो। आप इसे यूज़ करके देखोगे तो आप देखोगे आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम थी, मतलब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे स्किन पे होती है वो होती है डलनेस की, या बोलूँ स्पॉट्स की। तो इसको यूज़ करने से आपके स्पॉट्स रिमूव होंगे, डलनेस जो होती है वो खत्म होगी। और जैसे मैंने इसे बताया तो इसे मैंने विटामिन ई भी यूज़ डाला है। तो आपकी स्किन पे अभी जैसे सीजन चल रहा है कि क्या होता है, कभी हमारी स्किन ड्राई लगती है, कभी स्किन आपको ऐसे लगता है ऑयली हो जाती, तो ये बहुत अच्छा है सीजन के लिए भी। आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, ना बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा, तो बहुत अच्छा आपके फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो ला करके देगा, बिल्कुल नेचुरल ग्लो ला करके देगा। बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और मैंने जैसे कहा टीनेजर हैं तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया तो बहुत अच्छा है, आप इसे आराम से घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बातें बहुत सारी होगी तो आई चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई चलिए दोस्तों देखते हैं इसे बनाना कैसे। तो दोस्तों, और आपको ग्लो सीरम बनाने के लिए जो लेना है सबसे पहली चीज़ वो है संतरा। जी हाँ, आपको संतरे को इस तरीके से पीसेस में इसके छिलकों को काट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे धो करके एक जार में डाल लीजिए। उसके बाद हम इसे बारीक बिल्कुल पीस लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बारीक बिल्कुल पीस गया है। अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पतीली या कोई पैन ले लेना है, गैस पर उसे चढ़ा देना है। अब उसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पे एक ग्लास के करीब ऐड कर रही हूँ, एक ग्लास के करीब। जी हाँ, अगर आप कप से ले रहे हैं तो उसमें 2 कप के करीब आपको पानी लेना है। और हमें क्या करना है, इसे हल्का से पानी को गर्म होने देना है एक उबाल आने तक। दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी जो हमारा है वो अब एक उबाल उसमें आ गया है, गर्म हो गया है। अब उसमें जो अपना मैंने आपको दिखाया ये पेस्ट जो पीसा था, अब हम उसमें ऐड करेंगे। जी हाँ, दोस्तों 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है, 1 चम्मच हम इसमें और डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। जी, और अब इसे फिर से हम एक हल्का उबाल आने तक थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद अपनी गैस की जो आंच है उसे हम धीरी कर देंगे। तो सब देख सकते हैं कि हमारा जो अब इसमें उबाल आ चुका है इस मिक्सचर में। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी गैस की आंच बिल्कुल उसको धीरी कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इसे तब तक पकाना है जब तक आपका जो पानी है बिल्कुल आधा ना रह जाए, मतलब पतीली में एकदम थोड़ा सा पानी ना रह जाए, तब तक आपको इसको पकाना है, ताकि जितनी भी इस ऑरेंज की जो गुडनेस थी इस पानी में पूरी तरीके से आ जाए, एकदम बिल्कुल हमारा पानी बिल्कुल आधा रह जाए। हमें इसे करीब 5 से 10 मिनट तक पकाना है इसी तरीके से। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा मिक्सचर एकदम बिल्कुल उसका जल करके आधा हो गया इसका पानी, और बस पैनी में ज़रा सा रह गया है। तो मैंने अपनी गैस की जो आँच थी उसको बंद कर दिया है। अब हम किसी बर्तन में छान लेंगे। दोस्तों, मैंने इसे बोल में छान लिया और आप देख सकते हैं भाप निकल रही है। फिलहाल तो ये बहुत ही गर्म है, तो अभी इसमें मैं फिलहाल कुछ ऐड नहीं कर रही।
तो दोस्तों आप जैसे मैंने कहा, इसका का जो कलर है वो नेचुरल जो कलर होता है वो ही कलर है। इसमें जो आप सोचेंगे मार्केट का जो कलर होता है उसका कलर तो बहुत ही डिफरेंट होता है। जी हाँ, क्योंकि उसमें कलर होते हैं, ऐड होते हैं। अगर आप चाहते बिल्कुल मार्केट जैसा चाहते हो तो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। मैं कोई इसमें कलर ऐड नहीं कर रही, जो नेचुरल कलर है मैं वैसे ही रखूँगी। तो बस इसे ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसे एक कंटेनर में खाली कर लिया और आप देख सकते हैं अब हम क्या दूसरी चीज़ में ऐड करेंगे। जी हाँ, वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल हम इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे, मैं ज़्यादा नहीं मिलाना क्योंकि हमें इसे सिरप फॉर्म में ही रखना है। तो हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाएंगे। जी हाँ, और मैं बता दूँ मैं कौन सा एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैं न्यूट्री ग्लो का मसाज जेल यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे ऑयल ऑलरेडी पड़े हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश भी करेंगे। तो हम इसका एक चम्मच के करीब डालेंगे, आधा चम्मच मैंने डाल दिया है और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें और डालूंगी और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाल के इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जी हाँ, लास्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है विटामिन ई की ये कैप्सूल। जी हाँ, हम इसे इसलिए इसमें ऐड करेंगे क्योंकि विटामिन ई आप सब जानते हैं कि हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। सारे स्कार्स को लाइट करके आपकी स्किन को बिल्कुल यंग बनाता है। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि गर्मियों का दिन है। तो बस आप इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐड किया था तो आप चाहें तो इसमें दो भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा घर पे ही ऑरेंज ग्लो सीरम बन करके तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल नेचुरल कलर है इसका। तो दोस्तों बस मैंने इसे अच्छे से शेक कर लिया, ऐसे आपको झाग दिख रहा होगा। तो बस आपको लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस तरीके से अपने फेस पे इसे लेना है डॉट डॉट करके, फिर अच्छे से इसको पूरे फेस पे हल्के हाथों से रब करते हुए मसाज कर लेनी है। और आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद आपके जो फेस पे जो ग्लो आएगा, जैसे मेरे अभी हाथों पे आ रहा है वैसे सेम ग्लो आपके फेस पे भी आएगा इसको लगाने के बाद। और ये बहुत ही लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगेगा। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सबके लिए है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। बस आप इसे थोड़ी देर ऐसे मसाज करके आप इसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ग्लो सीरम। आप मेरे इस ग्लो सीरम को जरूर अपने घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरा ये ग्लो सीरम कैसा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।